पार्टी द्वारा पंजाब के स्पोर्ट्स सेल की घोषणा की गई, जिसमें लुधियाना से जॉली सिंह को स्पोर्ट्स सेल का महासचिव बनाया गया है। जॉली सिंह ने खास बातचीत के दौरान बताया कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है वह उसे तनदेही से निभाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भाजपा के साथ जोड़ेंगे। पंजाब से नशा खत्म करने के लिए कई कदम भी उठाए जाएंगे और नौजवानों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। मैनू पंजाब का महासचिव बनाया स्पोर्ट्स सेल बीजेपी का, और मैं धन्यवाद करना चाहना पहला राकेश राठौर जी का, उस तो पहला श्वेत मलिक जी का, और जिले मेरे प्रेजिडेंट ने पंजाब के अपना मनीष विज जी और पीणू मांसल जी का। और मैं ये चाहना कि जिन्हें भी स्पोर्ट्स से पंजाब के लड़के है सबनों मोटिवेशन करना चाहना कि गेम च आओ। हूँ जिली सारी टीम बनी है, सारी टीम पूरे पंजाब दे विच सचिव चुने जाने हैं, प्रधान चुने जाने हैं, और सारे स्पोर्ट्स नूं मोटिवेशन करनगे और बीजेपी नाल जुड़नगे और नशे तो दूर रहनगे। नौजवानों नूं मैसेज देना चाहना कि स्पोर्ट्स वल ध्यान दो, और सब तो वधिया 95% जिम इदां दी चीज़ है जिहदे करके हर बंदा हर गेम नहीं खेल पाता। एक जिम है जिहदे करके फिट रहन दे शौक दे विच नशे तो दूर रहिंदा है। और सरकार नूं मैं अपील करांगा कि वध तो वध जिम बनाए जाण जिहदे विच जिम दे नाल अच्छा कोच भी दिता जाए जो लोगों को मोटिवेशन करे ताकि लोग आन। सिर्फ जिम बनाने एक फॉर्मेलिटी होंगी है, बाद चो जिम बंद हो जाते हैं, बस एक टेंडर लेंदे मतलब जिम करते बस।